हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट न्यूज एग्जाम पर। 28 जून का प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का हल लेकर आया हूं दोस्तों। आपके पूरे 100 क्वेश्चनों के राइट आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रिया चिश्ती है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? बिठूरी राजेंद्र सिंह है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, अमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया तो कहां पर किया गया? जयपुर में, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी? रामडोली जयपुर में करेगी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित योजना में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो अनुप्रित कोचिंग योजना जो कि दोस्तों करवाई जा रही है, अभी फिलहाल इसके फॉर्म भरे गए थे। सिक्स क्वेश्चन, राजस्थान DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है पिनाका MKI, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट अवार्ड जीता है? ने नागौर ने जीता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अकील कुरैशी ने पद का 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी में भोजन कर सकता है तो केवल 8 रुपये में भरपेट भोजन कर सकता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां, माह है मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित हुआ, यह विश्वविद्यालय स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय आपके जयपुर में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया तो चौथे के रूप में किया गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारवा, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित विजेता में कौन से राजस्थान से है? बतूल बेगम, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरवा, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो नौटंकी कला से है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदवा, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, 564वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रहवा क्वेश्चन, हाल ही में मंचकुंड के लाइट एवं साउंड शो को आरंभ किया गया, धौलपुर में किया गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? 50,000 रुपये का सहयोग दिया जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को के कुलपति पर नियुक्त किया गया तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पर नियुक्त किया गया, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है तो अशोक गहलोत द्वारा 26 अक्टूबर 2020 को चलाया गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया गया 1 मई 2021 को किया गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 20वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग उत्पादन योजना को से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया 2019 से शुरू किया गया, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आई स्टार्ट संबंधित है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है तो कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 25वां क्वेश्चन, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान में है तो वर्तमान में मुख्य सचिव है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अपना 26वां क्वेश्चन, IN अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27वां क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर राजस्थान के सभी पेपरों के हल करवाए जाते हैं आपके लिए। इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1969, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
29वां क्वेश्चन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन, ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का एक भाग नहीं था? फ्रांस नहीं था, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में करेवा का संबंध किस से है? तो करेवा का संबंध कश्मीर से है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33वां, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय आपके जिनेवा में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का किसके पास था? तो वित्त विभाग लियाकत अली के पास था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सेडक पीक स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन में पुरुषणी कहा गया है? तो रावी को कहा गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज का मुख्य उत्पादक है? महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 38वां, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है देवप्रयाग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 39वां क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रशासन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कतर की है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी गाइड नहीं लिखी गई है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 44वां, वन लाइफ इन नोट इन पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, एक समुद्री मील में कितने किमी होते हैं? तो एक समुद्री मील में 1852 मील होते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, 19 मार्च के यूएस ने इराक पर कूटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया, तो ये आक्रमण कब किया गया? तो 2003 में किया गया, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से महाराष्ट्र में सक्रिय थे, कौन से संत महाराष्ट्र में सक्रिय थे? तो वो है एकनाथ जी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट दोस्तों 49वां क्वेश्चन, तुगरिक की मुद्रा है? तो मंगोलिया है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDPR का मुख्यालय निम्नलिखित में से स्थान पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेजाबान नदी किसके स्थित है? तो मेजाबान आपके कोठारी नदी पर स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन, कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? तो AW करता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? तो 74 किमी है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का मुख्य कारण है? तो वायु अपरदन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन, छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो छप्पन मैदान का संबंध माही नदी से है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? आद्र दक्षिणी मैदान है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 59वां क्वेश्चन, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश से नाम से जाना जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन, माई सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माई सुगंधा मक्का
फसल की किस्म है, इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो इसका राइट आंसर 1964 में की गई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, अजमेर में स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 63वां, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय समस्या रेतीली मृत्यु कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 64वां, थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है, ई ए डी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65वां, वर्षा जल संग्रहण करने वाली रानीसर टांका कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 67वां, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा कुएं एवं नलकूप, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां, मालपुरा की एक नस्ल है, तो मालपुरा किसकी है, भेड़ की नस्ल है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये दोस्तों ये क्वेश्चन है ना मालपुरा, ये वाला आपके मैंने पेपर हल करवाया था अल्लाह से पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया, आप जाके पेपर उठाकर देख लेना, अलसे में आया है मालपुरा की नस्ल, बेड़ी सेम ही डिटो क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं अलसे के पेपर में आया है। 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70वां, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संग्रहण की विधि कहलाती है, तो खड़ीन कहलाती है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों 71वां, गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो अरावली का है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72वां, राजस्थान में किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सबसे आसान क्वेश्चन खेजड़ी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 74वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश से अवस्थित है, तो बोराट का पठार उदयपुर है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं 75वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है, काजरी का मुख्यालय आपके जोधपुर में स्थित है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो द्वारकाधीश मंदिर जयपुर ये सुमेलित नहीं है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77वां, घंटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट न्यूज एग्जाम आपके लिए राजस्थान के सभी पेपर हल करवाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78वां, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी है, तो भगवान दास को दी है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, तो वो है आपके जैसलमेर नहीं है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई, तो किसके द्वारा की गई, जयनारायण व्यास के द्वारा की गई, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जयनारायण व्यास के दोस्तों इस पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आई है, ये पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप, अभी बात करेंगे और भी क्वेश्चन आएंगे जयनारायण व्यास के। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा, तो किसे अंजना देवी चौधरी को भुगतना पड़ा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है, तो शैव परंपरा का गुहिल करता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों की इतिहास के लिए बारे में जानकारी का स्रोत नहीं देती है, हर्ष चरित्र नहीं देती है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो प्रजामंडल की स्थापना आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था, महाराजा हनुमंत सिंह था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां, 1923 में ब्यावर के राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो जयनारायण व्यास ने किया, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट बात करते हैं आपके
87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो जालौर का किला बना हुआ है, इसका सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल उत्खनन में अग्नि देविकाएं मिली थी? कालीबंगा में, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान में बस्तियों में निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं था? तो आहड़ में नहीं था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो मारवाड़ का हो जाएगा आपके राठौड़, और मेवाड़ का हो जाएगा आपके सिसोदिया, और आमेर का हो जाएगा आपके कछावा, और बूंदी का हो जाएगा हाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में है? 2143 बी में है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91वां, सर वी टी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के थे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह भारत ने स्थापित की? तो वीर भारत सभा स्थापित की, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93वां, निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का नेता था? मेहराब खां थे, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट संगार है? तो ऊंट का है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये गोरबंद का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आया था पिछली बार, और इस बार इसमें भी आ चुका है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत निरंजन नाथ थे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96वां, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया? तो कहाँ पर किया? एरिनपुरा में किया, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना 97वां क्वेश्चन है, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? तो किस ख्याल का? कुचामनी ख्याल का किया गया, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणथंभौर था, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर ए राइट आंसर हो जाएगा। और 100वां क्वेश्चन, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो इसका राइट आंसर उदय सिंह हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट न्यूज़ एग्जाम पर राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के पेपर हल करवाए जाते हैं आपके लिए।